हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विद नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्वड। यहाँ पर देखिए, आपको दिया हुआ है 4A, नीचे 98 है, और इनको आपको प्लस करना है, और प्लस करने के बाद में आपका क्या आया, सी बी एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक का यूज़ करना है। लॉजिकल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, नंबर्स के साथ में आपको खेलना है, प्लेइंग विथ नंबर्स, नंबर्स के साथ में आपको खेलना है। तो लॉजिकल चैप्टर है, तो आपको ये बताना है कि देखिए, यहाँ पर सिंपल सा एडिशन है। तो यहाँ पर ए को 8 से जब ऐड करते हैं तो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, सिंपल। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है इसको। तो यहाँ पर आपको बोल रखा है, और फिर लिखना भी बताऊंगा कि कैसे लिखना है आपको, स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, स्टेप्स आपको लिखने हैं। तो देखिए, यहाँ पर ए को 8 से ऐड किया गया है, ठीक है, ए को 8 से ऐड किया गया है, तो यूनिट डिजिट हमारा 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ए पर मैं क्या रखूँ जिससे कि मेरा यूनिट डिजिट 3 आ जाए। तो ए पे आप 1 अगर रखोगे तो 1 + 8 होता है हमारा 9, तो यूनिट डिजिट 3 नहीं बनेगा। ए पे 2 रखोगे तो 2 + 8 होता है हमारा 10, यूनिट डिजिट 3 नहीं बनेगा, 0 बनेगा। ए पे 3 जब आप रखोगे तो 3 + 8 कितना होता है, 11 होता है, यूनिट डिजिट फिर से 3 नहीं बन रहा है। फिर हम 4 रखेंगे, 4 रख के देखेंगे, 8 + 4 होता है 12, 2 यूनिट डिजिट बन रहा है, 3 नहीं बन रहा है। जैसे ही हम 5 रखेंगे तो 5 + और ये 8 होता है हमारा कितना, 13, कितना होता है 13, तो 3 हमारा क्या बन गया, यूनिट डिजिट। तो हमारा क्या आया यहाँ पर, यहाँ पर 1 हमारी क्या आ गई, एक तरह से कैरी आ गई। ठीक है, तो ए पर हमें क्या रखना होगा, ए पर सर हमें रखना होगा, हमने रखा 5, 5 जब हमने रखा तो यूनिट डिजिट हमारी 3 आई, तो ए की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 5। ठीक है बेटा, देखो ए की वैल्यू अगर हमारी 5 निकल चुकी है तो 5 + 8 हमारा निकला कितना, 13, और ये जो 1 था ये हमारा कैरी आ गया, एक तरह से हम इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 + 4 कितना होगा, 5, 5 + 9 कितना होगा, तो 5 + 9 जब आप करोगे तो 14 आएगा, कितना आएगा, 14। तो 14 का आपका 4 तो यहाँ पर आएगा जहाँ पर b है, जहाँ पर बेटा b है यहाँ पर आपका क्या आएगा, 4, और 1 हमारा क्या होगा, कैरी चल जाएगा। ठीक है, और कैरी जाने का मतलब है कि 1 14, आपको देखो यहाँ पर तो कोई वैल्यू है ही नहीं तो 1 कैरी तो जाएगा नहीं, तो आपको 14 एज इट इज ही लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1। ठीक है, यहाँ आपने 4 लिख दिया, यहाँ आपने 1 लिख दिया, सी की जगह पर आपने क्या रख दिया, 1। ठीक है, तो 1 4 3, तो कुल मिला के आपकी सी की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 4, ए की वैल्यू आ गई 5। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा, एक तरह से हमने आपको समझाया यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैसे क्या करना है। चलिए अब स्टेप्स हम लिख लेते हैं कि कैसे स्टेप्स को हमारे को फॉलो करना है, कैसे हम करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सब वैल्यूज आ चुकी है, क्या लिखना है हमें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हमने क्या किया, वैल्यू को पुट किया, तो ऑन पुटिंग ए की वैल्यू हमने क्या क्या रख के देखी थी, यहाँ पर 1 रखी थी, 2 रखी थी, 3 रखी थी, 4 रखी थी, जैसे ही हमने 5 रखा, और 5 रखने पर हमारा आ गया था, आया था या नहीं आया था, तो 5 हमने रख के देखा। ठीक है, और हमारी वैल्यूज हमारी 5 पे मैच कर गई थी, तो हमने इस तरीके से वैल्यू रखी, एंड सो ऑन हम लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, एंड वी गेट, एंड वी गेट 8 + 5, 8 + 5 इज इक्वल टू हमें क्या बन गया, 13 मिला। ठीक है, जहां पर हमारी यूनिट डिजिट इन विच, हम लिख सकते हैं इन विच वंस प्लेस, या यूनिट प्लेस वंस प्लेस इज 3। ठीक है, देयर फोर हम कह सकते हैं हमारा ए मिल गया हमें, ए जो होगा वो कितना होगा हमारा, ए होगा हमारा 5। क्लियर है, चलिए ए मिल गया, अब क्या करेंगे हम, एंड अब क्या करेंगे, पुटिंग हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर 5, ए की वैल्यू 5 मिल गई, अब 5 + 8 किया तो हमारा क्या आया था, 13 आया था, 13, और ये 3 की 1 हमारा कैरी गया था, तो हम लिखेंगे पुटिंग, यहाँ पर तो हमने 3 पुट किया तो पुटिंग 3। ठीक है, एंड कैरी कितनी मिली थी हमारे को, 1, तो कैरी ओवर 1 वी गेट, हमें क्या मिला जब हमने इनको सबको ऐड किया तो बी की वैल्यू हमें मिली कितनी, 4। ठीक है, एंड सी की वैल्यू हमें मिली 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस ए की वैल्यू जो होगी
वो तो 5 होगी, बी की वैल्यू 4 होगी, सी की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूरी लैंग्वेज आपको लिखनी, क्योंकि यहाँ पर स्टेप्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आपने बस इनके वैल्यूज लिख ली कि ये निकल गया, बी ये निकल गया। आपको यहाँ पर स्टेप्स जो है वो भी आपको लिखने होंगे, तो इस तरीके से आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।